सर मेरा नाम संजय कुमार अत्री है, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एमजी निरीगा एसोसिएशन उधमपुर से तल्लक रखता हूँ। और हमारी यही डिमांड है कि हमें रेगुलाइज करना चाहिए, हमें इसमें, क्योंकि हमें एमजी निरीगा में काफ़ी देर हो गया काम करते हुए रूरल डेवलपमेंट में, तो 8-9 साल हमने इस महकमे को दे दिए हैं और काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और हमें नेशनल अवार्ड भी इस स्टेट गवर्नमेंट को मिले हुए हैं, ताकि इन्होंने पहले भी हमारे जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने खुद ही एक कमेटी फ्रेम की थी 2 महीने के लिए कि हम आपके लिए रेगुलाइज पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन 2 महीने के बजाय 6 महीने हो गए और गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल डिजॉल्व हो गई। और उसके बाद गवर्नर साहब हम से अपील है कि वो हम इंटरवेंशन करके हमारे जो रेगुलाइज की के लिए कोई पॉलिसी बनाए। हम यही तवक्का रखते हैं कि इस गवर्नर रूल में हमारा ये रेगुलाइज पॉलिसी के लिए कोई SRO बनना चाहिए, ताकि जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। आज से हमने जो धरना स्टार्ट किया है, ये पूरी रियासतगीर जो एहतजाज है वो हो रहा है, क्योंकि आज से 6 माह बेशतर रियासती वज़ीर अब्दुल हक खान ने हमारे साथ एक वादा किया था हमारी जॉब पॉलिसी के ताल्लुक से, और उनकी कमेटी की रिपोर्ट आज 6 महीने तक जो पेश नहीं हुई, तो एम्प्लॉइज़ के अंदर एक तशवीश थी उनकी जॉब पॉलिसीज़ को लेकर। इसलिए आल जे एंड के एम जी नरेगा एसोसिएशन ने पूरे रियासत में फिर से एहतजाज की कॉल दी है, और हमारा ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी जायज़ डिमांड जो है जॉब पॉलिसी को लेके है कि रियासती सरकार हमारे सामने जो है हमारी जॉब पॉलिसी को वाज़ह करे, क्योंकि यहाँ जो मुलाजमीन हैं हमारे अक्सर मुलाजमीन जो है वो अपनी उम्र की ऊपरी हद को पार कर चुके हैं और दहाइयों से यहाँ महकमा दही तरक्की में काम कर रहे हैं, और रियासत की सबसे बड़ी, मुल्क की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम जो है एम जी नरेगा, इसको चलाने में इन्होंने अपना कलीदी रोल अदा किया है, और रियासती सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इनके लिए जो वादे किए गए थे जॉब पॉलिसी के ताल्लुक से, उस कमेटी की वो रिकमेंडेशन सामने आएंगी, लेकिन 6 माह से उस कमेटी की रिपोर्ट ना आना तशवीश का बाइस थी, और इसी बेशतर जो है ऑल एम जी नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने फिर से जो है फ़िलहाल 48 घंटे की कॉल दी है, और इसके बाद अगर हमारे मुतालबात को ना मनवाया गया, अगर वो मुतालबात पूरे ना हुए, तो इस एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी और इस एहतजाज को जो है रियासती एहतजाज की शक्ल दी जाएगी।